तो जूनियर एनटीआर की अगली मूवी देवराज जो कि अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, देन दे डिलेड इट टू सितंबर और अब फाइनली 27 सितंबर को मूवी रिलीज होगी। एंड इसका जो नया ट्रेलर आया है, इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में कई भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल पैदा हो रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला तो ये है कि आपने मूवी डिले क्यों करी। अप्रैल से पहले जो आपने ग्लिम्स रिलीज किया था उसमें हमको जो एक सीक्वेंस देखने को मिली थी जो काफी ज्यादा आर्टिफिशियल सी फील हो रही थी, जब मूवी डिले करी गई तो ऐसा लगा कि ओके कई सारी रीशूट्स करे जाएंगे और उसके ऊपर से जो कलर ग्रेडिंग है VFX वगैरह है उनको भी इंप्रूव किया जाएगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट जो हमने पहले देखा था उससे। लेकिन ये ट्रेलर इस बात को पूरी तरह से गलत प्रूव कर देता है। देवरा का ट्रेलर स्टार्ट होता है देवरा जो कि जूनियर एनटीआर है उनके कैरेक्टर और सैफ अली खान उन दोनों के साथ में, और हमको बताता है कि इस मूवी में हमको क्या कुछ देखने को मिलेगा एंड जो कुछ भी देखने को मिलेगा आई एम वेरी सैड टू से इट डज नॉट लुक प्रॉमिसिंग एट ऑल। आई मीन इससे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मूवी की कहानी का थोड़ा बहुत पता लगता है कि देवरा जो है वो एक समुद्री लुटेरा होगा एंड शायद बहरा भी वही सेम काम करेगा और इसी वजह से दोनों के पाथ्स क्रॉस होते हैं। फिर इनके गांव में भी कुछ संग्राम टाइप की चीज होती है जिसमें आपस में लड़ाई करते हैं, तो उसमें भी इन दोनों की फाइट होगी जिसमें देवरा इसको बहुत बुरी तरह से रगड़ देने वाला, और इसके भी ऊपर से देवरा जो बीच पे पूरी फाइट करेगा तो उसमें शायद ये भैरवा के लोगों को मारेगा एंड मारना अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उसके अलावा उनको लटका के चला जाएगा और यही चीज देवरा को एक लेजेंड बना देगी कि वो समुद्री लुटेरों का लेजेंड है। लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि वो सॉर्ट ऑफ गायब सा हो जाएगा क्योंकि उसका बेटा जिसका रोल भी जूनियर एनटीआर प्ले कर रहे हैं वो देवरा के बिल्कुल ऑपोजिट है और वो शायद उसको ढूंढने की कोशिश करेगा बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है कि वो 2 साल से मिसिंग है। नाउ ये तो हो गई पूरी कहानी के बाद इसमें जो दो जूनियर एनटीआर हैं जिसमें से एक देवरा है दूसरा उसका बेटा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि बेटा एक पॉइंट पे जाकर अपने अंदर की चिंगारी को भड़काएगा और अपने पिताजी के रास्ते पे चलेगा एंड दैट इज वेयर हिज स्टोरी आर्क गेट्स कंप्लीटेड और मे बी बिगिंस, क्योंकि ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में शायद हमको इसके बेटे की कहानी देखने को मिलेगी कि वो कैसे समुद्री लुटेरा बना। एंड अगर आप इसको सोचने जाते हो तो ये पूरा का पूरा प्रिमाइस काफी प्रॉमिसिंग साउंड भी करता है, लेकिन मूवी को जिस तरह से दिखाया गया और जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है इट डजंट फील लाइक दैट एट ऑल। इनफैक्ट बिल्कुल उल्टी ही फीलिंग है, जैसे सैफ अली खान और उसके बैंड ऑफ पायरेट्स को जब पकड़ लिया जाता है और वो जो कोस्ट गार्ड उनके ऊपर बंदूक के ताने खड़े हैं तो उसी बीच ये लोग अपनी तलवारें उठा के उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं एंड फॉर सम रीजन वो कोस्ट गार्ड इन पे गोलियां नहीं चला रहे। फिर जूनियर एनटीआर ने आरआरआर में बाइक उड़ाई थी, इस वाले में शार्क उड़वा दिया उनसे। I don't see the reason behind it, but yeah, that is what we get. फिर इसके बाद जो मैंने बात करी थी कि ग्लिम्स में हमको वो एक पूरी सीक्वेंस देखने को मिली थी बीच वाली जो मुझे पर्सनली थोड़ी सी आर्टिफिशियल लगी थी, वो बिल्कुल वैसी की वैसी है। इनफैक्ट और भी कई सारी सीक्वेंसेस है जहां पर हम अंधेरे में बोट्स को देखते हैं, they feel pretty artificial to me. ट्रेलर की कई सारी सीक्वेंसेस की लाइट्स बहुत अजीब सी फील होती है। इनफैक्ट जितने भी रात के सीन समुद्र के ऊपर शूट करे गए हैं वो सारे बहुत नकली लगते हैं। सैफ अली खान भी 2 अलग अलग लुक्स में नजर आते हैं, उसका रीजन भी बहुत सिंपल है। जो पहला लुक है वो देवरा के टाइम पे होगा, जो दूसरा लुक है वो टाइम जंप के बाद उसके बेटे के टाइम पे होगा। और अगर आप सोच के देखो तो समुद्री लुटेरों का पूरा कॉन्सेप्ट ही अपने आप में कितना ज्यादा फैसिनेटिंग है इफ एग्जीक्यूटेड वेल। लेकिन थग ऑफ हिंदुस्तान भी हक के गई थी और देवरा भी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है। मैंने लिटरली ट्रेलर में ऐसे शॉट्स ढूंढने की कोशिश करी जो मुझे पसंद आए और जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर सकूं, बट सैडली आई कुड फाइंड नन। जो थोड़ा बहुत ठीक दिखता है वो आर्टिफिशियल लगता है, जो आर्टिफिशियल नहीं लगता वो ठीक नहीं दिखता। आई होप द मूवी प्रूव्स मी रॉन्ग कंप्लीटली, लेकिन फिलहाल इस ट्रेलर को देखकर बहुत ज्यादा पसंदीदा और ऐसे एक्साइट कर देने वाली चीजें नहीं फील हो रही हैं। सो या दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। जानवी कपूर के अलावा और कुछ ट्रेलर में अच्छा नहीं लगा, वो भी कम टाइम के लिए ही थी। तो अगर पसंद आया हो ट्रेलर तो नहीं वीडियो तो लाइक मार देना। मिलेंगे अगले वाले में।